हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ एक्सरसाइज 2A। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स सच दैट एंड ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड ए इज कॉमा 0 बी कॉमा 1 सी कॉमा 0 आर इन ए इन टू बी फाइंड ए एंड बी। सो स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा एन ए इज इक्वल टू 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3 और एन बी इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट, आपके बुक में इस चैप्टर में स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिया होगा जो होता है एन ए इज इक्वल टू पी और एन बी इज इक्वल टू क्यू। ये एक फॉर्मूला था स्टूडेंट, एन ए इज इक्वल टू पी एंड आपके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला दिया होगा स्टूडेंट जो होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू पी क्यू एन इज इक्वल टू पी एन बी इज इक्वल टू क्यू एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। ठीक है, और एन बी इंटू ए भी क्या हो जाएगा, पी क्यू होगा। एन अगर बी इंटू ए भी होगा तो भी क्या होगा, पी क्यू होगा। तो बस इस फॉर्मूले पुट कर देंगे क्या हो जाएगा, एन ए इंटू बी तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 होगा। देखिए स्टूडेंट, इतना करने के बाद अब देखिए क्या दिया हुआ है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड ए 0 बी 1 सी 0 आर इन ए इनटू बी फाइंड ए एंड बी के वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ए इनटू बी दिया हुआ है, ए 0 बी 1 सी 0 तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो ए होता है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो बी होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, ए है, बी है और सी है, तो ए में क्या है, ए बी और सी। ठीक है, बी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 1 होगा, ये 0 नहीं होगा क्योंकि 0 रिपीट कर रहा है स्टूडेंट। अगर आप इसको ऐसे पुट करके इंटू करेंगे तो आप देखेंगे इतना आएगा, 0 और 1 आप पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 0 यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा है, वैल्यू सिर्फ 0 और 1 है स्टूडेंट, बी में सिर्फ 0 1 है। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 11th। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन 11th ये, इफ ए इज इक्वल टू -1 1 फाइंड द ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, ए की वैल्यू दी हुई है -1 और 1, दोनों ए की वैल्यू है स्टूडेंट। तो पहले क्या है, ए इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, पहले आप ए में सिर्फ ये ले सकते हैं, दोनों ए की वैल्यू स्टूडेंट, तो आप पहले ए में क्या ले सकते हैं, -1 -1 -1, क्योंकि ये भी ए की वैल्यू है, ये भी ए की वैल्यू है, -1 -1 -1। अब दूसरे में आप ले सकते हैं -1 1 फिर -1 1 और ये -1 होगा, फिर तीसरे में हो जाएगा 1 1 1 हो सकता है, जितना भी पॉसिबल हो उतना लिखना है आपको स्ट्रिंग। फिर क्या हो सकता है, -1 1 1 होगा, फिर हो जाएगा 1 -1 1 होगा, फिर हो जाएगा 1 -1 -1 होगा, फिर हो जाएगा, फिर हो सकता है 1 1 -1 हो गया, फिर हो सकता है -1 -1 1। तो स्टूडेंट सब हो गया इतना, तो स्टूडेंट क्वेश्चन में 11th हमारा कंप्लीट हो गया है, इतना ही इसमें पॉसिबल था स्टूडेंट, इतना ही होगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में 10th और 11th हमारा कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।